हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, कोफ्ते की रेसिपी। ये कोफ्ते बहुत ही अच्छे बने थे, तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको रेसिपी बता देती हूँ मैं। इसको बनाने के लिए हमने बारीक कद्दूकस किया हुआ 500 ग्राम हमने लौकी लिया है यहाँ पे, जिसको घिया कहते हैं। उसके अंदर से हमने सारा का सारा पानी निचोड़ लिया है और एक बाउल में रख दिया है। यहाँ पे सामने हमने यहाँ पे एक बड़ा सा टमाटर काट के यहाँ पे रख लिया है, 2 प्याज बड़े हमने काट के रख लिए हैं। आप छोटा साइज भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लौकी नहीं है तो आप कम भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने मिर्च ले ली है और लहसुन की कलियाँ ले ली हैं 5 से 6। अब हमें कुछ मसाले चाहिए। हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, हल्दी ली है, नमक लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है हमने। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है बेसन, यहाँ पे हमने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है। तो जो बेसन है ये, इसको हम लौकी के अंदर मिला देंगे अच्छे से। और अभी जो मैंने आपको मसाले दिखाए, वो सारे मसाले भी हम इसमें मिला देंगे। उनको मिलाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेस्ट बनकर सामने आएगा। क्योंकि कोफ्ते में पकौड़े डलती हैं, तो लौकी की पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐसा राउंड शेप का हम पकौड़ी बनाकर तेल में डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। ये देखिए, सारी पकौड़ियाँ हमने डाल दी हैं, फ्लेम हमारा मीडियम है इस वक्त। इसको पकने देंगे अच्छे से, ब्राउन होने चाहिए। ये देखिए, हमने इसको पलट दिया है, आप टाइम टाइम पर इसको चेक करते रहिए। देखिए, हमने सारी की सारी पकौड़ियाँ तल के रेडी कर ली हैं। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम इसका जूस बनाएंगे। तो जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो सारी चीज़ें काट के रखी हुई थी, लहसुन मिर्च वगैरह, उन सबको एक हमने कढ़ाई में डाल दिया है। और उसमें 1 से 1.5 चम्मच हम तेल डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको पकाना है। ये देखिए, ब्राउन हो चुके हैं ये। अब इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसको एक जार में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने एक जार में निकाल दिया है और इसका हम अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर और इसमें तेल डाल दिया है हमने, जीरा ऐड किया है। देखिए, जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे यहाँ पे। और जो हमने पेस्ट अभी बनाकर तैयार किया था, उस पेस्ट को इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम करके इसको पका। ये जो पेस्ट है, अच्छे से पकना चाहिए, वरना कोफ्ते आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें जितने भी मसाले हैं, सारे मसाले एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सारे मसाले हम ऐड कर देंगे इसमें। आप देख सकते हैं, इसमें का सारा पानी खत्म हो चुका है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो लौकी का पानी निकला हुआ था वही डाल दिया इसमें, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाला है। 1 से 1.5 मग के बीच आप पानी डाल सकते हैं। फ्लेम हाई कर देंगे जब तक कि उबाल नहीं आ जाता। उबाल जब आ जाए तो आप फ्लेम को मीडियम कर दें। 10 मिनट पकाने के बाद जो पकौड़ियाँ हैं उनको हम कढ़ाई में डाल देंगे। 10 से 15 मिनट जो अभी हमने पानी कढ़ाई में डाला था, उसको पकाने के बाद जो हमारी पकौड़ियाँ हैं उसको डाल देंगे। और पकौड़ी डालने के बाद 10 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, 10 मिनट बाद हमने गैस बंद कर दिया है, हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। तो जाइए और आज ही आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।